नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये फाइंड फंक्शन जो है टेक्स्ट फंक्शन का एक पार्ट्स है और ये किस तरह से यूज होता है, कैसा यूज होता है, पूरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं फाइंड फंक्शन का लोकेशन के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर होम टैब में जाओगे, यहाँ पर फार्मूला सेक्शन है और फार्मूला सेक्शन में यहाँ पर टेक्स्ट है। टेक्स्ट के नीचे अगर आप जा रहे हो तो आपको मिलेगा फाइंड फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ, एफ आईएनडी फाइंड। ठीक है, तो चलते हैं सीट की और देखते हैं कि फाइंड का यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अगर फाइंड का यूज करने के लिए मैं यहां पे एक सीट रेडी किया हूं, ये टेक्स्ट फंक्शन का एक पार्ट है फाइंड। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिया हूं और क्या फाइंड करना है वो लिखा हूं और यहां पे फार्मूला किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लगा के बताता हूं किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा इक्वल टू एफ आई एन। ठीक है, अगर फाइंड किया तो ऑटोमेटिक यहां पे आएगा फाइंड। तो मैं सबसे पहले इसके आर्ग्यूमेंट में जा रहा हूं, क्या क्या है इसका आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले देखिए क्या है आर्ग्यूमेंट, फाइंड टेक्स्ट। आप कौन सा टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज मैं ये टेक्स्ट फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट है विद इन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट में वो है, कौन सा टेक्स्ट में ये फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहां पे ये टेक्स्ट में यहां पे फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूं। अगर मैं ओके कर रहा हूं तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला के अंदर, जो आपका जो है टू आंसर आया। ये टू आंसर किस तरह से आया, ये जो टू आया है कैसे आया है, क्यों आया। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है आप जो टेक्स्ट फाइंड किए हैं ये जो है इस पोज इसका जो है इस टेक्स्ट के अंदर का पोजीशन को बताता है। मतलब जो ए है ये टेक्स्ट में कितने नंबर पोजिशन पे है, ये ए जो है अगर आप यहां से देखिए वन फर्स्ट एम है सेकंड एन है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर ए है, तो ये जो पोजीशन है ये पोजीशन को आपको इंडिकेट किया है टू। ठीक है, तो इसी फार्मूला में मैं फिर से एडिट कर रहा हूं कुछ, और इस फार्मूला में स्टार्ट नंबर मान के चलिए ये जो फर्स्ट जो है सेकंड नंबर रिजल्ट आया था ये सेकंड वाला नहीं चाहिए, मैं सेकंड के बाद वाला चाहिए, मैं थर्ड के बाद चाहता हूं कौन सा टेक्स्ट है। यहां पे जो है स्टार्ट नंबर क्या है, अगर ओके किया तो देखिए टेंथ रिजल्ट आ रहा है अभी। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, मैं जो स्टार्ट नंबर दिया हूँ थर्ड के बाद, मतलब तीसरा के बाद जो है ये थर्ड ये ए को नहीं काउंट, इसके बाद कितने पोजीशन में ए है वो जो है टेंथ पोजीशन बता रहा है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, तो ये जो ए जो आया है वो टेंथ पोजीशन पे है। अगर फर्स्ट ए की बात बोले तो थर्ड सेकेंड पोजिशन पे था, और सेकेंड ए के बारे में थर्ड के बाद कितने नंबर पे है वो जो है टेंथ नंबर पे आया है, वही जो है इंडिकेट किया है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से लगा के बताता हूं इसका फॉर्मूला किस तरह से यूज किए थे। मैं इक्वल टू किया एफ आई एन डी फाइंड। ठीक है, अगर फाइंड फंक्शन किया, ठीक है, अभी क्या फाइंड करने के लिए यहां पे बोल रहा है फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है वो आपको लिखना है, कौन सा टेक्स्ट मुझे चाहिए ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोमा में डालूंगा, कोमा डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है विद इन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट के अंदर आपको ये पोजिशन चाहिए, मैं इसके अंदर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं कोमा डालूंगा, कोमा डालने का स्टार्ट नंबर, आप कौन सा स्टार्ट नंबर चाहिए, मान के चलिए मैं यहाँ टेंथ पोजिशन में आया था, टेंथ के बाद कौन सा है, मैं टेंथ ही डाल के देखता हूँ। ठीक है, अगर इंटर किया तो देखिए टेंथ का जो है टेंथ पोजिशन पे है, मैं एलेवंथ यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, एलेवंथ पोजिशन के बाद जो है ए कहाँ पे है वो मुझे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ये जो ए है वो एलेवंथ पोजिशन के स्टार्ट से एलेवन नंबर के बाद अगर ए है तो वो कितने पोजिशन पे है, कितने नंबर पे है वो काउंट मुझे चाहिए। ठीक है, तो 11 के बाद कौन सा नंबर पे है, मैं इंटर प्रेस किया तो देखिए 11 के बाद कितना है, 14 नंबर पे है। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे ए है क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन, एलेवन के बाद कितना है, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन नंबर पे आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं फाइंड फॉर्मूला। ठीक है, एक बार और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं इक्वल टू एफ आई एन डी फाइंड। ठीक है, फाइंड फार्मूला में क्या सर्च करना है, एम सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ये पोजिशन सर्च करना है। ठीक है, और कौन सा टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है, इस टेक्स्ट के अंदर सेंड करना है, और मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ स्टार पोजिशन में, कुछ नहीं दे रहा, सीधा इंटर पोजिशन करूँगा क्योंकि कॉमा डाल दिया। ठीक है, सीधा इंटर पोजिशन करूँगा तो कितना नंबर पर आया, एम कितना नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है,
ये कैपिटल ए दिया, ठीक है। तो ए फर्स्ट जो है एम दिया, यहां पे जो है नेक्स्ट इसके लिए एच के लिए फाउंड करता हूं, यहां पे क्या हुआ इक्वल टू, मैं लिखा इक्वल टू लिखूंगा, क्या लिखूंगा एफ आई एन डी फाइंड, फाइंड फॉर्मूला डाला, फाइंड फॉर्मूला डालने के बाद क्या है फाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लिया कोमा दिया, ठीक है, विद इन टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट कौन सा कौन टेक्स्ट इसके अंदर का चाहिए, ठीक है, इंटरप्रेस किया। तो यहां पे देखिए वैल्यू एरर आ रहा है, वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, तो ये फाइंड फार्मूला होता है ये जो है के सेंसिटिव होता है, के सेंसिटिव मतलब क्या हो गया कि मतलब क्या हो गया ये जो है स्मॉल लेटर बिग लेटर अपर लेटर डाउन लेटर सभी में जो है डिफरेंस को समझता है, ठीक है, ये क्या करता है अपर लेटर डाउन लेटर सभी में जो है डिफरेंस को समझता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये समझ रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं के सेंसिटिव, ठीक है। तो के सेंसिटिव का मतलब हो गया कि ये जो है दोनों में डिफरेंस क्या हो गया समझ में आ रहा है इसको। अगर यहीं पे यहां पे स्मॉल लेटर का एच है तो इसके लिए मैं फार्मूला लगा के देखता हूं, देखिए इक्वल टू एफ आई एन डी फाइंड फार्मूला डाला, ठीक है, फाइंड फार्मूला डाला हूं, कौन सा टेक्स्ट चाहिए ये टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, किसके अंदर चाहिए विद इन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट के अंदर चाहिए आपको इस टेक्स्ट के अंदर चाहिए, और इंटरप्रेस किया तो देखिए कितना नंबर दिखा रहा है 16 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैं कैपिटल एच लिखा था, यहाँ पे स्मॉल एच लिखा, इसके अंदर जो है स्मॉल एच है कैपिटल एच नहीं है, ठीक है। तो अगर कैपिटल एच नहीं है तो आपको क्या क्या एरर दिया वैल्यू एरर आ रहा है, करेक्ट, यहाँ पे कैपिटल एच नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, यहीं पे स्मॉल एच की सर्च किया फाइंड किया स्मॉल एच तो आपको जो है पोजीशन 16 नंबर दिखा रहा है, 16 नंबर किधर है देखिए यहाँ पे कितना अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, इसका जो 16 है इसका पोजिशन कहाँ पे है 16 नंबर में जो है पोजिशन है एच का, ये जो है 16 नंबर पे जो है ये आपको मिल रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से है ये जो है फाइंड फॉर्मूला आपका क्या है के सेंसिटिव फॉर्मूला है, जिसमें कि आपको यहां पे जो है अपर लेटर डाउन लेटर सभी में डिफरेंस को ये समझता है। गौर करें मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप फाइंड फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसमें जो है ये अपर एंड डाउन में डिफरेंस को समझता है और ये उसी के अनुसार आपको काम करता है। जैसे मुझे जेड चाहिए, ठीक है, अगर जेड चाहिए, ठीक है, तो मैं इसमें जेड को सर्च करना है, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला डालूंगा इक्वल टू एफ आई एन डी फाइंड, ठीक है, अगर फाइंड फार्मूला डाल रहा हूं कौन सा टेक्स्ट चाहिए फाइंड टेक्स्ट बोल रहा है, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हूं और कॉमा डाला तो क्या विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर आपको चाहिए मुझे इस टेक्स्ट के अंदर चाहिए, ठीक है, अगर इस टेक्स्ट के अंदर चाहिए इंटरप्रेस किया तो यहां पे भी आपको जो है वैल्यू एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है वैल्यू एरर, क्योंकि इसके अंदर इस टेक्स्ट के अंदर जो है जेड नहीं है। क्यों आ रहा है एरर, क्योंकि इस टेक्स्ट के अंदर जो है जेड नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो है आपको जो है वैल्यू एरर दिखाएगा। मैं यहां पे एक यहां पे ब्लैंक लेटर छोड़ रहा हूं, मैं ब्लैंक ही फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, ब्लैंक को फाइंड करना चाहता हूं, क्या होगा देखिए यहां पे अगर इक्वल टू मैं फाइंड फार्मूला लगा रहा हूं इक्वल टू एफ आई एन डी फाइंड, ठीक है, इक्वल टू फाइंड फार्मूला लगाया और यहां पे टेक्स्ट कर मांग रहा है, कौन सा टेक्स्ट चाहिए मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, ओके, और किसके अंदर चाहिए विद इन टेक्स्ट, ये इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, और इंटरप्रेस कर दिया। तो देखिए फिर भी जो यहां पे जो है 1 दिखा रहा है, इसमें एरर नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट नंबर में ही ये ब्लैंक शो कर देगा, ठीक है, तो ये ब्लैंक को भी नहीं छोड़ता है, उसका भी वैल्यू जो आपका काउंट जो है 1 देता है, ठीक है। अगर इसी में देखिए अगर फाइंड का आर्ग्यूमेंट में जाओगे स्टार्ट, मान के चलिए 5 में दे जा रहा हूं, ठीक है, फाइंड ब्लैंक चाहिए, ठीक है, तो आप जो भी पोजीशन लिखोगे फर्स्ट पोजीशन को ही वो जो है इंडिकेट कर देगा। तो ये होता है ब्लैंक का, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एक बार ब्रीफ में फिर से बता दे रहा हूं, यहां जो है फाइंड फार्मूला जो है यूज करते हैं हम लोग किसी टेक्स्ट का पोजीशन जानने के लिए, वो टेक्स्ट जो है टेक्स्ट के अंदर जो है वो लेटर जो है फर्स्ट लेटर किस पोजीशन में है वो पोजीशन जो है आपको बताता है,
ठीक है, वो क्या करता है आपको पोजीशन बताता है, किस पोजीशन पे वो है, ठीक है, ए किस पोजीशन में है, ये फर्स्ट एम आया है कि किस पोजीशन में है, जेड है या नहीं है तो वैल्यू एरर आ रहा है, ठीक है, अगर अपर केस रहा लोअर केस रहा उसमें भी इसको डिफरेंस समझ में आता है कि फाइंड फार्मूला को क्या होता है, अपर और लोअर जो है दोनों में जो है डिफरेंस पता है किस तरह से डिफरेंस है, अगर नहीं है तो वो वैल्यू एरर बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा डिटेल देख चुके हैं फाइंड फार्मूला का क्या है नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।